हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। क्या आप अपनी उंगलियों को आसानी से चटका सकते हैं? क्या आप जब भी अपनी गर्दन को हिलाते हैं तो उसमें से कटकट की आवाज़ आती है? ऐसा क्यों होता है? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्या हड्डियों में से आने वाली ये कटकट की आवाज़ सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, जनरली ये जो आवाज़ आती है ये दो वजह से आ सकती है, या किसी प्रॉब्लम की वजह से आ सकती है या तो किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ सकती। देखिए, जब हम मूव करते हैं हमारी हड्डियों को तो उस हड्डियों दो हड्डियों के बीच में जब कोई एयर बबल बस्ट होता है उसकी वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होता है। मेडिकल टर्म में इस साउंड को हम बोलते हैं क्रैपिटस। या तो ये किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है या ये नॉर्मल भी है, मतलब अमूमन ये नॉर्मल होता है, कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता। मगर कई बार ये किसी प्रॉब्लम की वजह से होता है, जैसे आपकी एज ज़्यादा है, और जब आपकी एज ज़्यादा होती है तो होता क्या है कि जो आपकी हड्डियों की लाइनिंग है वो घिस जाती है। तो जब दो हड्डियाँ आपस में टकराती हैं तो उनके रगड़ने की वजह से जो आवाज़ आती है उसको भी हम क्रैपिटस बोलते हैं, या क्रैकलिंग साउंड या पॉपिंग साउंड बोलते हैं। अब आपको करना क्या है, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि जिस एज के अंदर आपको ये आवाज़ आ रही है, वो अर्ली एजेस अगर है तो आप इन साउंड को इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यंग हैं और आपकी हड्डियों में से आप गर्दन हिला रहे हैं तो उसमें से चटकने की आवाज़ आ रही है, तो जाहिर सी बात है एयर बबल बस्ट हुआ होगा, उसकी आवाज़ है। मगर आपकी एज ज़्यादा है और आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग है या पेन है और आपको ये आवाज़ें आ रही हैं, क्रैपिटस साउंड आ रहा है, तो आपको अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको अर्थराइटिस हो या अर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी हो। तो हर एक चीज़ का एक ट्रीटमेंट होता है, तो आप अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो थी क्रैपिटस साउंड के ऊपर। अगर आप अर्ली एज के अंदर हैं तो ये साउंड को आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एयर बबल के बस्ट होने की वजह से ये साउंड आ रहा है। मगर आपकी एज ज़्यादा है, आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग रहती है, पेन रहता है, और आप जब भी जॉइंट्स को मूव करते हैं तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई बोन रगड़ने की वजह से आवाज़ आ रही है, तो इसके लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। वो आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये साउंड किसकी वजह से आ रहा है, जनरली नॉर्मल जो एयर बबल बस्ट होता है उसका साउंड आ रहा है, या आपके हड्डियों के जो लाइनिंग है वो घिस गई है, दो हड्डियों के आपस में रगड़ने की वजह से साउंड आ रहा है। तो दोस्तों, आपकी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।